नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। ग्राम प्रधान ने महिला की भूमि पर मूर्ति स्थापित कर गांव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। महिला प्रधानमंत्री आवास बनवा रही थी। सूचना के बाद मौके पर एसडीएम पुलिस फोर्स लेकर पहुंचे और काम बंद करवा दिया। आपको बता दें, पूरा घटनाक्रम बांदा जनपद के बवेरू कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आलमपुर का है, जहां एक बेवा महिला अपना सरकारी आवास बनवा रही थी। उसी दौरान ग्राम प्रधान के द्वारा बेवा महिला की भूमि की जमीन को शमशान घाट व ग्राम सभा की जमीन बताकर रात्रि में कुछ लोग मकान के सामने चबूतरा बनाकर हनुमान जी की प्रतिमा रखकर गांव का माहौल बिगाड़ने का काम किया है और बेवा महिला की शिकायत पर कोतवाली पुलिस प्रशासनिक अधिकारी पहुंचकर ग्राम प्रधान सहित तीन लोगों को हिरासत में लेकर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मामला बबेरू कोतवाली के अंतर्गत आलमपुर का है, जहां की रहने वाली बेवा महिला राविया खातून पत्नी याकूब खान ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि मैं अपनी जमीन पर राजस्व विभाग की पैमाइश के पश्चात अपना प्रधानमंत्री आवास बनवा रही थी। तभी गांव का ग्राम प्रधान मोवीन खान इसके सहयोगी लगातार मकान बनवाने में बाधा उत्पन्न कर रहे थे और बीती शुक्रवार की रात ग्राम प्रधान सहित सात लोग एक राय होकर मेरे निर्माणाधीन मकान के ठीक सामने धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने और मुस्लिम समुदाय के बीच सांप्रदायिक दंगा कराने के उद्देश्य से बिल्डिंग मटेरियल से एक चबूतरा बनाकर कुछ लोग हनुमान जी की प्रतिमा रख गए। जब मैंने इसका विरोध किया तो गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी है। इनके द्वारा बताया गया कि घृणित कार्य से पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल है। शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस की सुनवाई कर रही बबेरू उपजिलाधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने पुलिस बल के साथ आलमपुर गांव पहुंचकर मौके पर पुनः पैमाइश कराई, जिसमें गांव में तनाव को देखते हुए अतर्रा सीओ एवं बबेरू सर्कल के सभी थाना प्रभारी राजस्व निरीक्षक तहसीलदार विपिन कुमार कानूनगो सहित ग्रामीण के बीच ग्राम प्रधान द्वारा कूट रचित तरीके से जो माहौल उत्पन्न किया गया था, विवादित स्थल को तत्काल मौके पर पैमाइश कराई गई, जिसमें महिला राविया खातून की जमीन बताकर आवास के निर्माण कार्य हेतु निर्देश दिए गए हैं। कोतवाली प्रभारी नागेंद्र कुमार नागर ने बताया है कि हनुमान जी की प्रतिमा को लाकर कोतवाली परिसर पर स्थित मंदिर में रखवा दिया है और कोतवाली प्रभारी ने राविया खातून की तहरीर पर ग्राम प्रधान मुबीन खान याकूब खान वसीम खान को गिरफ्तार कर लिया है। उनके विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला पंजीकृत कर जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। वहीं शेष चार अभियुक्तों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बांदा से पूरन राय की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मनफूल गौतम। मनफूल गौतम, कहाँ के रहने वाले? आलमपुर। क्या मामला हुआ ये मंदिर वाला? मामला ये था कि वो एक जमीन है, उनकी मौजूसी है, उस पर वो एक महिला अपना मकान बना रही थी, आवास आया था प्रधानमंत्री आवास, उसमें वो बना रही थी। कुछ अराजक तो उस पर ऑब्जेक्शन लिए, लेकिन सर्वे किया, कानून का सर्वे किया, सर्वे में बताया गया कि वो जमीन उन्हीं की है। इसके बावजूद भी जो वर्तमान प्रधान है वो कुछ लोगों को लेकर उलझाता रहा और जब कल कोतवाल साहब बुलाए और ये कहा कि जैसे फैसला हो चुका है अदालत का, अब इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, वो मकान को बनाने तो कोई विवाद ना हो, दोनों पक्षों को कह दिया इंस्पेक्टर साहब ने। इसके बाद रात में अराजक तत्वों ने एक हनुमान जी की मूर्ति वहाँ रख दी है उनके दरवाजे पे। ठीक है, उसकी खबर सुबह दी गई यहाँ थाना में एसडीएम साहब को, जब दी गई यहाँ से छोड़ गया पाँच छः थानों का छोड़ गया। हम बजोरी में थे, हमको इंस्पेक्टर साहब बुलवाए और बोले कि पंडित जी ये मूर्ति को आप उठा के हमारी गाड़ी में रखवा दीजिए। तो मैं एक दवरसा का राजू पंडित था, राजू उस राजेंद्र राजी, हम दोनों लोगों ने मूर्ति को उठा के उनकी गाड़ी में रख दिया। ठीक है, और वहाँ से हमें बोले कि चलो वहाँ मंदिर में रखवा दिया, तो हम आके थाने में रखवा दिया और चले आए। अच्छा, थाने में रखी है मूर्ति? जी, थाने में, मंदिर में रखवा दिया। अच्छा, मंदिर में रखी जी। अब उसमें जो वर्तमान प्रधान है उसमें पूरी भूमिका उसी की है, ये हिंदू मुस्लिम करवाना चाहता था और शासन जानता है, शासन ने बताया गया, शासन ने कहा एसडीएम बहुत थी, उन्होंने कहा इसको उठा के बंद कर दीजिए, मुकदमा लगा दीजिए, हमारे सामने इतनी बात है। क्या नाम है आपका? मनफूल गौतम। कौन से गांव के हैं? निवासी ग्राम आलमपुर। सर, बबेरू में मुस्लिम समुदाय द्वारा एक हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने के संबंध में
ग्राम प्रधान समेत कई लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या है सर? ग्राम आलमपुर थाना बबेरू अंतर्गत दिनांक 18/9/2021 को दो पक्ष जो नौ मुस्लिम संप्रदाय के थे, एक विवादित जमीन को लेकर के उनमें आपस में विवाद था, वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति रखी गई थी और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। इस बात को लेकर पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए सम्मानपूर्वक हनुमान जी की मूर्ति को हटा दिया और जो भी शरारती तत्व उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके उसमें गिरफ्तारी भी की गई है। कितने लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, कितने लोग गिरफ्तार? 7 लोगों के विरुद्ध दर्ज है, अब तक 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज है? गंभीर धाराओं में है अभियोग। तो यदि फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए चैलेंज न्यूज 24। नमस्कार।